हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग मील्स विद जूही में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा परवर की रेसिपी। तो आई होप मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी आपको, बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो आधा किलो मैंने परवल लिए हैं, परवल को मैंने धो लिया है और इसके बाद हम इसकी जो भी है आगे की डंडी और पीछे की हम काट लेंगे। ऐसे इस तरह हम इसके सभी को ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा इसे छीलेंगे, ज़्यादा नहीं छीलेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम हल्का हल्का छीलेंगे। और इस तरह मैंने सारे परवल को मैं छील लूँगी, ऐसे हम छीलेंगे, ज़्यादा नहीं छीलेंगे। तो मैंने सारे परवल को मैंने छील लिया है, अब हम इसमें कट लगाएंगे। ध्यान से हमने मैंने इसमें कट लगा दिया है और जो भी इसमें गूदा है, जो भी इसमें बीज है, हम इसको निकाल लेंगे। ये पीछे जो चम्मच की हेल्प की सहायता से हम इसमें जो भी बीज है, बीज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसको हम बीज को बाद में यूज़ करेंगे, फेंकना नहीं है इसको। और ये देखिए मैंने सारे परवर को मैंने इस तरह साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए मैंने सारे को कट लगा के और सब बीज मैंने निकाल दिए हैं। और ये बाद हम ग्राइंडर जार में डालेंगे 4 से 5 मिर्च। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें डालूँगी मैं आधा चम्मच जीरा, काली मिर्च, अगर आपके पास लहसुन और अदरक है तो इसी वे में आप लहसुन अदरक डाल सकते हो। ये वही बीज है जो हमने निकाले थे परवर में और हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इसे ये देखिए बिल्कुल ग्राइंड कर दिया है। तो ये मैंने बिल्कुल ही पेस्ट बना लिया है इसका। चलिए तड़का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पैन में डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल, जो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। और इसमें डालूँगी मैं 3 से 2 मैंने प्याज डाले हैं इसमें काट के, और 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट मेरे हो चुके हैं। अब वही पेस्ट जो हमने ग्राइंडर जार में पीसा था वही हम इसमें अब ऐड करेंगे। तो इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ऐसे। और इसमें हम डालेंगे थोड़े सा नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, जो भी सामान आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसे भी हम जब तक मसाला भूनेंगे जब तक मसाले से तेल ना निकलने लग जाए। और आँच मेरा बिल्कुल धीमे ही है तो धीमे ही रखिए, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सूखा सूखा ही पकाएंगे। तो मसाला मेरा बिल्कुल पक चुका है, अब हम इसमें प्लेट में निकालेंगे। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा है क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं होता। तो अब हम इसको भरेंगे, फिल करेंगे परवर को। परवर को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने कम ही करा है इसमें 1.5 चम्मच, ज़्यादा बाहर मत निकालिए, ऐसे आराम से बिल्कुल थोड़े कम ही ठीक रहते हैं ये भरने में। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक और मैं भर के दिखाती हूँ आपको। परवर को हम ज़्यादा नहीं भरेंगे, ये देखिए ऐसे बिल्कुल 1.5 चम्मच आता है इसमें। अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ये देखिए परफेक्ट है बिल्कुल। और इसी तरह मैं सारे परवर को भर लूँगी। तो मैंने ये सारे परवर को भर लिए हैं, चलिए इसे फ्राई करने पर चलते हैं। तो मैंने 4 से 5 मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मेरे गर्म हो चुका है और इसे और आँच मेरी बिल्कुल धीमे ही है। और सारे परवर हम इसमें डाल देंगे, सारे परवर मैंने डाल दिए हैं। और जो भी है तेल हम इसे इधर उधर कर देंगे फ्राई पैन से पकड़ के, और आँच मेरा बिल्कुल धीमे ही है, धीमी आँच में पकाएंगे। तो मैंने 4 से 5 मिनट तक हम इसको ढक के पकाएंगे, ऐसे ही हम बार बार पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, हम देखते जाएंगे ताकि जो परवर हमारे नीचे ना लगे। ये देखिए हम पलट पलट कर पका लेंगे जहाँ जहाँ कच्चे हैं हमारे। तो मैंने सारे परवर को पलट पलट के रख दिया है और फिर हम 5 से 6 मिनट इसे पकाएंगे, धीमी आँच ही है मेरी, ये देखिए बिल्कुल, ताकि नीचे ना लगे। ज़्यादा तेज आँच होगी तो ये जल भी जाएंगे। तो हम पलट पलट के सब इसको पका लेंगे। तो आपको 3-4 बार ऐसे चेक करते रहना है और मैं इसे फिर 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। अब देखते हैं, मेरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, परवर मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए गैस मैंने बंद कर दिया है और परवर को बनाने में कम से कम लगे हैं आधा घंटा लग चुका है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर में जरूर ट्राई करें। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। थैंक यू।